Good morning, children. Today we are continuing with the next chapter, that is chapter number 9. And this chapter is connected with your MySQL chapter, that is chapter 10, which we have done in our last class. Now, I am using the word here as interface Python with SQL. Now, the word interface means it is a connection between the two things, that is Python and SQL. How Python commands can be connected with your SQL, right? But the main thing is, why do we need that connectivity of our Python with SQL, right? Now I have written few points here to tell you why do we require that connectivity and why do we use the database along with the programming language, right? Now, as we know that the organizations, big organizations, what they do is they need a large amount of data with them. Like we have a big office, multinational companies हैं, वहाँ पर बहुत सारे employees होते हैं, सबका data उसको store करना होता है, right? तो उस large data को store करने के लिए we require the database. Now SQL क्या करता है? आपको database create करने में, data store करने में, उसको access करने में easily help करता है. And जो Python है, वो support करता है database को. तो मतलब अगर मैं अपने डेटाबेस का बजाय इसके कि मैं प्रोग्राम के अंदर सारी वैल्यूज को डालूं, एक डिक्शनरी के अंदर सारे इतना सारा डेटा डालूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसे बनाऊं, हम उसे इजी करने के लिए क्या करते हैं, अपना जो डेटाबेस है उसको एक अलग क्रिएट कर लेते हैं और जो बना हुआ डेटाबेस है उसे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरीज देके उनको यूज कर सकते हैं, राइट? Now Python क्या support करता है? सारे commands support करता है जो आपकी MySQL करता है, that is DDL और DML दोनों commands को support करता है. Apart from that वो जैसे normally हम query देते हैं SQL के अंदर, like अगर मुझे कोई selective names चाहिए, कोई मुझे particular category का कुछ चाहिए, तो हम लोग query लगा देते हैं where clause use करके SQL के अंदर. The same can be done with the Python also. आप Python programming use करके SQL के जितनी queries हैं वो आप यहाँ पर use कर सकते हैं. Now Python के साथ SQL की connectivity की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? Actually क्या होता है? Python जब हम program बनाते हैं, तो जो data user input करता है, वो data आपकी value को output तो दे देता है, display कर देता है, लेकिन उसे memory में permanently store नहीं करता. Suppose अगर मैंने एक list create करनी है, user से input करवा के, first time अगर मैंने program create करा और list में कुछ elements insert कर दिए, तो वो उस time पे जो values मैंने डाली है, उनको display कर देगा. लेकिन what will happen next time दोबारा same program अगर मैं execute करती हूँ, run module करती हूँ, तो what is going to happen, ये आपके जो data list की values होगी वो फिर से मांगेगा, यानी कि जो मैंने previous values डाली वो आपके इसके अंदर permanently store नहीं करता. तो actually क्या होता है, जो program होता है वो कहाँ execute होता है, RAM के अंदर execute होता है. और RAM हमें पता है वो temporary memory होती है, वो permanently तो store करती नहीं है data को, तो वो for a timing जब तक आपकी power supply on होती है तब तक वो data उसके अंदर रहता है. जैसे ही power supply स्विच ऑफ करते हो तो immediately वो data वहां से क्या कर देता है, remove कर देता है. अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा, अगर मुझे वो ओवरकम करना है कि मैं उसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकूं, तो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन यूज माय डेटाबेस कनेक्टिविटी विद पाइथन, राइट? सो टू ओवरकम द सेविंग इनपुट यूजर, मतलब जो भी आपने डेटा में इनपुट डाला है अगर मुझे उसे सेव करना है किसमें, डेटाबेस के अंदर, तो मैं उसे क्रिएट कर सकती हूँ अपने डेटाबेस को, उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकती हूँ, ऑल्टर कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अगर वो मेरा पाइथन मॉड्यूल के थ्रू होगा तो वो मैं डेटाबेस को कहाँ यूज कर रही हूँ, बैकहैंड में यूज कर रही हूँ. इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमने पाइथन यूज किया तो पाइथन वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए है, वैल्यूज इनपुट हो रही है और जो वैल्यूज जा रही है वो किस में जा रही है, डेटाबेस में जा रही है. तो डेटाबेस में जो वैल्यूज जा रही है तो डेटाबेस मेरा क्या कहलाता है, बैकएंड ऑफ द एप्लीकेशन कहलाता है. और जो यूजर ने इनपुट करा वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्रंट एंड टूल कहलाता है या फ्रंट एंड इंटरफेस कहलाता है. अब जो डेटा मैंने स्टोर किया है डेटाबेस के अंदर वो मेरा क्या कहलाएगा, बैकएंड. और जो मैंने यूजर ने इनपुट वैल्यूज करी है वो मेरी क्या कहलाएगी, फ्रंट एंड कहलाएगी. तो नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े आपके सॉफ्टवेयर्स आप यूज करते हो, लाइक ओरेकल हो गया, ओरेकल के बैकहेंड में हम लोग MySQL ही यूज करते हैं. MySQL डेटाबेस होता है, उसके अंदर सारी वैल्यूज ऑलरेडी डली हुई होती है, उन वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू वेरी इजीली. Now the next step for connecting your SQL with Python, how can we connect? There is a library, Python library, which we have to import in our Python script.
जब भी आप पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे, फाइल में न्यू करेंगे, तो आपकी सबसे पहली लाइन वहां पे क्या होगी, दैट इज योर इम्पोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, राइट। अब ये क्या करता है, आपके पाइथन को कनेक्ट कर देता है एसक्यूएल के साथ। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू इंस्टॉल द एसक्यूएल कनेक्टर। आप नंबर वन क्या करना है, हम python.org से अपनी पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। मेक श्योर वेन एवर यू आर इंस्टॉलिंग योर पाइथन, इट शुड बी ऑफ हायर वर्जन। आपका 3.7 वाला अगर आप लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है, आप वो इंस्टॉल करिए। जब आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास आपको जाना कहाँ है, यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट पे आपके पास रन ऑप्शन आती है, रन पे आपने क्या लिखना है, सीएमडी कमांड देना है। जैसे ही आप सीएमडी कमांड देंगे आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी और वो आपको यहाँ पर सी ड्राइव शो करेगा, दैट इज योर सी कॉलन / ग्रेटर देन साइन। इनफैक्ट यहाँ पर वो आपको यूजर भी दे सकता है, मतलब कुछ आपका ऑलरेडी पाथ होगा वो पाथ यहाँ पर वो शो करेगा। आपको क्या करना है, इस पाथ से बाहर आना है। इस पाथ से बाहर आने के लिए आपको कमांड क्या यूज करनी है, सीडी / और एंटर करना है, और उसके बाद आपका कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, सी कॉलन / ग्रेटर साइन। नाउ अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू यू इंसर्ट और इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर ऑफ पाइथन। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होता है, पीप कमांड इज देयर, दैट इज वी हैव टू राइट पीआईपी, देन वी हैव टू राइट इंस्टॉल MySQL -connector -python। जैसे ही आप ये लिखोगे, लिखते ही वो यहाँ पे क्या करेगा कि आपका MySQL जो है वो Python के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा, कर्सर विल कम बैक टू सी प्रॉम्प्ट, राइट। अब ये ध्यान रखना है कि जहां पर जब आप इंस्टॉल करोगे MySQL कनेक्टर पाइथन को, तो मेक श्योर जिस जगह पर सी ड्राइव में जिस जगह पर आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है वहीं पर आपका ये वाला एसक्यूएल कनेक्टर भी इंस्टॉल होगा, राइट। और ये करने के बाद इफ यू वांट टू चेक कि आपका जो MySQL कनेक्टर है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है कि पाइथन के साथ एसक्यूएल कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द पाइथन शेल, यानी कि पाइथन एग्जीक्यूट करना है। पाइथन एग्जीक्यूट करके यू विल गेट दिस डबल ट्रिपल ट्रिपल ग्रेटर देन साइन आएगा, विच इज कॉल्ड एज माई पाइथन शेल। पाइथन शेल पे आप एक कमांड लिखिए, दैट इज योर इम्पोर्ट MySQL.connector। ये लिख के जैसे ही आप एंटर करते हो, एंटर करने पर अगर कर्सर आपका वापस पाइथन प्रॉम्प्ट पर आ जाता है, इसका मतलब आपका जो पाइथन MySQL कनेक्टर है वो सक्सेसफुली कनेक्ट कर गया आपके पाइथन के साथ। और अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल शो एन एरर मैसेज, राइट, विच शोज दैट आपकी जो पाइथन और MySQL वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ है। देन यू हैव टू सी योर कमांड वंस अगेन, मेक श्योर आपका एसक्यूएल का वर्जन 5.0 होना चाहिए और आपका जो उसका पाइथन का वर्जन है दैट इज 3.7 होना चाहिए, राइट। और आप ये वाली कमांड पीप कमांड जो आप यूज करोगे, ये केवल वही करोगे जिस जगह पर जिस ड्राइव के अंदर आपने अपने पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन। अब मुझे प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के लिए 7 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि आपको एक एसक्यूएल कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम बनाना होता है अपने आप। आपको कैसे बनता है वो बनाने के लिए आपके पास स्टेप्स ये 7 ही है कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इन्हीं को फॉलो करके यू आर एबल टू राइट योर क्वेरीज, राइट, कनेक्टिविटी लिख सकते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट वन इज, स्टेप 1 में क्या है, यू हैव टू स्टार्ट योर पाइथन। आप नॉर्मली जैसे पाइथन स्टार्ट करते हैं, पाइथन स्टार्ट करिए और अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट लीजिए, दैट इज फाइल में जाके न्यू क्लिक करिए। जैसे ही आप न्यू क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है जहां पे आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं। उसके अंदर सेकेंड स्टेप आपने, मतलब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, इनकी प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन क्या होगी, यू हैव टू इम्पोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड फॉर द डेटाबेस प्रोग्रामिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया था पाइथन शेल के ऊपर हमें क्या लिखना है, अपने डेटाबेस का एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी बताने के लिए मेरा सबसे पहला कमांड क्या हो जाएगा, दैट इज योर इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। द फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम विल बी दिस। जैसे ही आप ये लिखते हैं वो आपका ये वाला पैकेज MySQL कनेक्टर का जो पैकेज होता है वो आपकी लाइब्रेरी जो है वो पाइथन की मेमोरी में इंस्टॉल कर देता है, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम।
दैट इज ओपन अ कनेक्शन टू डेटाबेस. लेकिन जब हम डेटाबेस से कनेक्शन ओपन करते हैं तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं. दैट इज होस्ट चाहिए होता है, हमें यूजर चाहिए होता है, होस्ट नेम चाहिए होता है, यूजर नेम चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है. नाउ ये तीन चीजें क्या होती हैं, मैं अभी एक एक करके इन सारे स्टेप्स को इन डिटेल में बताऊंगी. अभी एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अगर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे बनाना तो कैसे बनाया जाता है. वो सबसे पहले हमने पाइथन को स्टार्ट करा, सेकंड स्टेप में हमने अपने पाइथन में MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी को या पैकेज को हमने क्या किया, इम्पोर्ट करा. इम्पोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें अपनी डेटाबेस कनेक्शन को ओपन करना होता है. और वो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. अब वो क्रिएट किसके थ्रू होता है, दैट इज कनेक्टेड फंक्शन के थ्रू होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस, मतलब अब मुझे अपने कर्सर को मूव करवाना है एसक्यूएल के अंदर, तो वो मूव करवाने के लिए आई हैव टू यूज द कर्सर फंक्शन. जब मेरा कर्सर मेरे पास एक MySQL में चला जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरी क्वेरी होती है, सपोज मुझे सारे डेटाबेसेस देखने हैं कि मेरी SQL में कौन कौन से हैं, तो आई वांट टू गिव माय कमांडर्स शो डेटाबेसेस, तो हम अपनी क्वेरी को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग द एग्जीक्यूट फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट. अब जो भी मैंने अपना कर्सर के थ्रू जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, वो रिजल्ट मेरा कर्सर वाले ऑब्जेक्ट में चला गया. अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करा देते हैं. अब मुझे एक एक करके उस वैल्यू को लेना है, तो मैं उसके लिए क्या क्रिएट करती हूँ, लूप क्रिएट करती हूँ. अब लूप क्रिएट करने से वो एक एक करके मेरी सारी डेटाबेस का नाम जो होगा वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देगा. एंड आफ्टर दैट जब मेरा सारा प्रोग्राम, मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई, तो वो क्या करेगा, मेरी फाइल को क्या कर देना चाहिए, मेमोरी को क्या कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए. तो अगर मुझे अपने इस पैकेज को क्लोज करना है, तो आई हैव टू यूज द क्लोज फंक्शन. नाउ ये तो था इन जस्ट में कि हमको स्टेप में पहला स्टेप कौन सा लिखना होता है, सेकेंड स्टेप क्या लिखना, थर्ड क्या लिखना, फोर्थ क्या लिखना, फिफ्थ क्या लिखना, सिक्स क्या लिखना. क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो इट इज स्टार्ट विद द पाइथन, तो वो तो जस्ट जनरल स्टेप है. एक्चुअल स्टेप्स आपके टोटल छह ही हैं, दैट इज 2 to 7 तक के, और वो क्या चीजें हैं मैंने अभी बताया. नाउ अगले लेक्चर में आई विल राइट ईच स्टेप अलॉन्ग विद द प्रोग्राम.